जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आईटीबीपी ड्राइवर एनिमल ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा और जो SC ST वाले हैं उनको सेंटर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फ्रेंड्स हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं रहेगी यूट्यूब पे। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पूरा अच्छे से कर पाओगे वहाँ पे। फ्रेंड्स वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ITP एनिमल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, काफी बड़ा सवाल रहता है। कुछ कमेंट आते हैं सर हमें मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाना चाहिए और SC ST कास्ट के लिए सेंटर सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है, तो फ्रेंड्स हम सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर कर देंगे, तो आपको वीडियो पूरा देख लेना है ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों देखिए ITP कोस्टल ड्राइवर ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स ड्राइवर के बारे में एक और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, कुछ आपको बता देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर हम आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ, इसमें टोटल वैकेंसी 134 है ITP ड्राइवर में ठीक है। ITP कॉन्स्टेबल ड्राइवर में आपकी टोटल वैकेंसी 134 है, 134 वैकेंसीज है, जो आपका अभी रिजल्ट भी क्लियर हो चुका है। जो जो मेरे फ्रेंड्स इसमें पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अगर आपने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो अपना रिजल्ट आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा। आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है सारी मैंने बता रखी है, आपको आराम से अपना रिजल्ट चेक कर लेना है ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ITP एनिमल ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स अगर हम एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें आपकी, देखिए आप नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ आपकी, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 85 है और आपका फ्रेंड्स जो रिजल्ट है अभी बहुत जल्दी ही आने वाला है। रिजल्ट डिक्लेयर वेट मतलब दोस्तों का जो रिजल्ट है अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। और एनिमल ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से नीचे वीडियो पे आप देख सकते हो आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे आराम से देख सकते हो या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कई स्टूडेंट का मुझे कमेंट आता है कि सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे लिए जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपको तो फ्रेंड्स आपके सब डाउट अभी क्लियर होने वाले हैं ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ITP ड्राइवर एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये फ्रेंड्स दोनों के लिए बताऊंगा अभी मैं आपको ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए हैं ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे गाइस बर्थ सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी उसमें जो मेन डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में होती है, जिसको हम जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री भी बोल देते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10th मार्कशीट, अगर आपके पास दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, तो आपका 10th मार्क्स सर्टिफिकेट भी जो होता है, आपकी जो मार्कशीट होती है 10th की, वो भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है इसमें, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो भी आपकी काम चल जाएगी यहाँ पे। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए वैसे, अगर ये नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10th की मार्कशीट दिखा के आपकी डेट ऑफ बर्थ जो उसमें क्लियर क्वालिफाई हो जाएगी ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्लस टू मार्कशीट, आपके पास गए 10th मार्कशीट की और प्लस टू मार्कशीट आपके पास दोनों होने चाहिए ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस लाइट हैवी बोथ। फ्रेंड्स ये मैं ड्राइवर वालों के लिए बता रहा हूँ, आपके पास लाइट और हैवी दोनों लाइसेंस होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जो भी ड्राइवर कैंडिडेट हैं उनके पास दोनों लाइसेंस होने चाहिए, लाइट और हैवी ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो उसका आपका अलग से एक डोमिसाइल बनता है, जिनके पास नहीं है वो प्लीज तहसील में जाके अपने आसपास में जाके, तो आपके तहसील जो होती है वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो, तहसीलदार की वहाँ पे उस पर मोर लगेगी एंड तहसीलदार साइन करेगा, फॉर्म होता है फॉर्म भर के आप आराम से डोमिसाइल बनवा सकते हो अपना, आप जहाँ भी आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो ठीक है। फ्रेंड्स 6 नंबर पे देखिए SC कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट। दोस्तों एक SC ST कास्ट का जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट है जो SC ST कास्ट से, उनका एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनवा लेना है, एक स्टेट का होता है। नीचे देखिएगा SC ST सेंटर सर्टिफिकेट इंडिया। दोस्तों देखिए एक आपका नॉर्मल होता है जो आपका स्टेट में काम करता है ओनली SC कास्ट सर्टिफिकेट या ST कास्ट सर्टिफिकेट, और एक आपका सेंटर लेवल पे होता है, क्या सुना आपने, एक आपका सेंटर लेवल पे होता है। फ्रेंड्स वो आपको बनवाना बहुत ही जरूरी है, कौन सा सर्टिफिकेट, सेंटर का सर्टिफिकेट गाइस आपको बनवाना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट वो किस प्रकार से दिखता है ठीक है, एक सेकंड आप वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी सर्टिफिकेट कौन सा है वो। तो फ्रेंड्स देखिए ये होता है सर्टिफिकेट जो आपको सेंटर का होता है, जो SC ST के लिए होता है। वैसे फ्रेंड्स देखिए एक अच्छा यूट्यूबर वही होता है जो आपको हर एक जानकारी दे, इसलिए मैंने सोचा कि चल अपने दोस्तों को दिखा देता हूँ कि कौन सा सर्टिफिकेट होता है। कई को मतलब कई लोग जो होते हैं कन्फ्यूज में रहते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट सेंटर का होता है कौन सा नॉर्मल होता है, तो फ्रेंड्स देखिए जो नॉर्मल होता है जो स्टेट लेवल का होता है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन गाइस देखिए जो आप सही सर्टिफिकेट देख रहे हैं सेंटर लेवल का है,
फ्रेंड्स यहाँ पे ये धाराएं लिखी होती हैं, देखिए ये ध्यान से देखिएगा इसको, ये धाराएं लिखी होती हैं, आपको ये अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आपको कोर्ट या तहसील में जाके पहले आपके नंबर पटवारी जो आपके होते हैं नंबरदार गाँव में उसके साइन होंगे, फिर आपके जो तहसील में जो तहसीलदार होता है उसके साइन होंगे, आप उससे आराम से बनवा सकते हो, ठीक है। ये फिलअप करके अपना नाम एड्रेस से भर के आपको आपका फोटो लग जाएगा ऊपर, और तहसीलदार इसके ऊपर मोहर मार देगा, सिग्नेचर कर देगा, आपका सेंटर सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। पैन ये नहीं जरूरी कि पैन कार्ड ही हो, आधार कार्ड ही हो, नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी चल जाएगा, पैन कार्ड हो वो भी चल जाएगा, ठीक है। इनमें से आपके पास ओनली एक होना चाहिए, ओके। फ्रेंड नीचे देखिए 4 पासपोर्ट साइज फोटो, देखिए गाइस 4 तो नहीं साइज, देखिए आप कम से कम 8-10, आप कम से कम 8-10 फोटो लेके जाना, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए 6 मंथ ओल्ड, गाइस ध्यान दीजिएगा आपका फोटो जो है 6 महीने पुराना ना हो, ठीक है। नया ही फोटो हो आपके पास, पुराना फोटो वहाँ पे लेके मत जाइए, कोई नया फोटो आपका वही लेके जाइएगा, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए मैंने आपको सब कुछ वीडियो में क्लियर कर दिया है, या फिर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भैया आपका ये चैनल है भाई, मैंने आपके लिए बनाया कि मेरे भाइयों की मदद हो सके। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपके हर एक डाउट क्लियर कर दिए हैं, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे, कुछ भी बात पूछनी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपके भाई का चैनल है, ठीक है। तो भाई को प्यार दो यार, एंड थैंक यू सो मच। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच। हमेशा हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।